नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और अरिंदम। आज सबसे पहले जिक्र समृद्ध इतिहास और अपनायत के पर्याय सन सिटी जोधपुर का, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई सौगातें दी। इनमें प्रमुख है हाईकोर्ट परिसर में बने महाधिवक्ता कार्यालय का लोकार्पण, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश भर के 18 लाख लाभार्थियों के खातों में 74 करोड़ रुपए की DBT, राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय आयोजनों का शुभारंभ, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय का शिलान्यास, साथ ही सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का भी लोकार्पण। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देर शाम मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। देश में सबसे सस्ता महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाले मुख्यमंत्री अब तक करीब 69 लाख परिवारों को लगभग 292 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर चुके हैं। उम्मीद स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में उन्होंने आज और 18 लाख लाभार्थियों को राहत दी और DBT की राशि को 366 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, LPG गैस 500 रुपए में सिलेंडर, पूरे देश के अंदर 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा मैंने करी और मैंने लागू भी कर दी। अभी DBT होगा आपके सामने, आप देखेंगे किस प्रकार से एक साथ में सभी घरों में पैसा पहुंच जाएगा, बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा। इस प्रकार से जो शुरुआत की गई है, क्योंकि महंगाई का दौर वास्तव में बहुत बुरा होता है। जनता सामने हो तो CM उनसे बात करते ही है। आज फिर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया। श्रीमती गंगा कमेटी बैठी हुई है। हाँ सर, नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से नमस्ते। मेरे महंगाई कैंप में जाके 7 कार्ड मिले मुझे। हाँ। उपयोग हो रहा है? हाँ सर। अच्छा बताइए, आपको जो ये आप जाती क्या वहाँ पर नरेगा में? नहीं जाती। हाँ सर जाती हूँ। जाती हैं, वेरी गुड। अन्नपूर्णा पैकेट आ गया आपके यहाँ? हाँ सर, वो मिल रहे। अभी मैंने घोषणा की, आपको समझ आई वो? हाँ, एक्स्ट्रा किट की मिलेगा। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हेलो सर, श्रीमती शायरा बानो जी। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए शायरा बानो जी, बोलिए, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, पेंशन मिल रही? पेंशन मिल रही? पेंशन मिल रही आपको? हाँ पेंशन मिल गई, मतलब जो भी आपकी योजनाएं के चलाए हुए सारे लाभ मुझे मिले हैं। मुख्यमंत्री ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लाभार्थी परिवारों को नवंबर में एक एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट अतिरिक्त मुहैया कराने की भी घोषणा की। यहीं से उन्होंने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय आयोजनों का भी शुभारंभ किया। इसमें 7,500 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता की आज राज्य स्तर का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इतिहास बनाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये नवाचार किया था। देश के अंदर पहली बार आपका राज्य है राजस्थान, जिसने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करना प्रारंभ किया। 30 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, छात्र थे, नौजवान थे। इस बार हमने राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक का नाम दिया। 58,50,000 के लगभग लोगों ने पंजीकरण करवाया और आप लोग भी 58,50,000 के लगभग जो खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया उसमें जो आप जीते थे आप आज यहाँ पहुँचे हैं। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में जोधपुर में भी अभी 4 साल में 4 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई और आज 2 विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांग, हमारे निसर्गजन भाई बहन हैं, दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर खुलने जा रहा है। कल ही मैंने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं विश्वविद्यालय के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो काम समाज के हित में हो, वेलफेयर स्टेट बन गया राजस्थान हमारा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय की नई बनी भव्य इमारत में महाधिवक्ता कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक कार्यालय के निर्माण पर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। CM ने अवलोकन कर इसकी प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने नई अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने और IT के इस्तेमाल की जरूरत बताई, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इस मौके पर भी मैं कहना चाहूंगा कि 200 के करीब हम लोगों ने कोर्ट या तो प्रमोट किया, न्यायिक बने, और ये भावना रहती है कि
जुडिशरी के अंदर जजेस के जो है खालिस्तान रहते थे वहाँ, पर जब कभी कॉलेजियम हमें नाम भेजता है तो मेरे वक्त में कभी काम रुका नहीं है, कॉलेजियम जो विश्वास करके नाम आगे गए हैं। अब मैं कहना चाहूँगा जो फाइनेंस कमीशन आया था, 11th फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फास्ट कोर्स की स्थापना की थी, 11th फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए। अब पॉक्सो का और महिलाओं का भी चल रहा है। हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें, वास्तव में जो थे तो फास्ट कोर्ट बनने चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय मिले लोगों। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश AJ मसीह ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है। डेमोक्रेसी is our heart and soul. For the functioning of a healthy democracy, it is imperative that the people feel that their rights and dignities are protected and recognized as well. Expeditious adjudication of disputes is the hallmark of a healthy democracy. Law is a profession which is an indispensable element of society as it plays a pivotal role in the justice delivery mechanism. Each and every aspect in the life of a citizen and the state is dependent on laws. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें मारवाड़ अंतर्राष्ट्रीय सेंटर, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में RTO ROB का निर्माण, सुरपुरा पार्क में विभिन्न विकास कार्य, जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में राज्य क्रीड़ा संस्थान 250 बेडेड आवासीय खेल स्कूल, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि उपज गौण मंडी प्रांगण, आंगनवा में आंतरिक ग्रेवल सड़क, कृषि महाविद्यालय का नवीन परिसर और बीज भवन और किसान छात्रावास भवन सहित कई विकास कार्य शामिल हैं। इससे पूर्व आज सुबह मुख्यमंत्री जब जोधपुर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर वे मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की हर योजना लोक कल्याण को समर्पित है। हमारी सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है, पहली बार आजादी के बाद में इस रूप में हर हमारा फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक कल्याण के इंटरेस्ट में है। और ये पहली बार आजादी के बाद में राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्यों में भी चर्चा में आया। हमारी हर योजनाओं का चर्चा राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर हर राज्य में होती है। वहाँ की सरकारें मैनिफेस्टो में लिख रही है, अपने वादे कर रही है, वहाँ की पब्लिक से स्थिति बन गई, राजस्थान मॉडल बन गया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कल शाम राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। दोनों ने उच्च शिक्षा, आदिवासी क्षेत्रों की उन्नति और राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने राजधानी में सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए 130 करोड़ रुपए की लागत की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे बाईजी की कोठी, मॉडल टाउन, जगतपुरा, गैटोर और आसपास के इलाकों में पंप हाउस का जीर्णोद्धार और नई पाइपलाइन बिछाने जैसे काम होंगे। नए जलाशय भी बनाए जाएंगे। इससे करीब 1,00,000 लोगों की पानी संबंधी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। ब्याज माफी की खनन विभाग की एमनेस्टी योजना 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ACS माइंस वीनु गुप्ता ने जयपुर में बताया कि इससे पिछले साल के बकायादार भी लाभान्वित होंगे। ये मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी। गौरतलब है कि माइंस एमनेस्टी योजना से अब तक रिकॉर्ड 82,65,00,000 रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर राइफल टीम ने गोल्ड पर निशाना साधा है। इस पर शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिव्यांश की ऐतिहासिक सफलता, तिकड़ी ने बनाया भारत को विजेता। चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में भारत की पुरुष और राइफल टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पहला स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए जयपुर के होनहार दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हार्दिक बधाई। राजस्थान के बेटे दिव्यांश और इस प्रतिभावान तिकड़ी पर पूरे देश को गर्व है। लोक आस्था के महापर्व तेजा दशमी पर वीर तेजा जी महाराज को सादर नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, वचनबद्धता, वीरता, परोपकार और सत्यवादिता के सर्वोच्च मानक स्थापित करने वाले वीर तेजा जी महाराज को तेजा दशमी पर सादर नमन। तेजा जी महाराज आप सभी के जीवन को अपने आशीष से कृतार्थ करें। तो
आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।